सर वो ओके के बाद कुछ आता ही नहीं है, ओके पे क्लिक करने के बाद। देखिए दोबारा मैं करता हूँ, मैं शेयर स्क्रीन, ये अलाइनमेंट हो गई, फर्ज किया अलाइन मेरी ऑलरेडी खुला हुआ है। अच्छा अलाइनमेंट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके, ये देख, नहीं, ओके, अलाइनमेंट में जाके अलाइन बाय मर्जर, ये आ गया ना, नथिंग सिलेक्टेड लिखा हुआ है, इसको ओके कर रहे हैं। तो ये एक नया, ये जो खोल देता है, टैब खुल जाता है, इसको जो भी इसके है ना रूल्स इनके रूल लिखे हुए हैं वही फॉलो करने हैं आपने, और इसको ओके कर देना। तो सिंपल, आपके क्यों नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा जैसे मैं कर रहा हूं। जी सर, पर जी ये तो सब में मिसिंग है फिर। सर क्या कह रहे हो, फिर तो सब में कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो फिर हम सारे तो नहीं ना डिलीट। जब भी मैं बताता हूँ ना कि आपने कैसे इसको, आपने इस अलाइनमेंट के अंदर वो तमाम रीजन डिलीट कर देने हैं जो आपको समझ रही है कि ये मैच नहीं कर रहा है। जिस तरह अभी अभी ना मैं ये पूरा करके ना फिर मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए मैंने अब क्या किया कि वो रीजन जो थोड़े से भी गड़बड़ कर रहे हैं मैं उसको डिलीट कर ही जा रहा हूं। अब ये देखिए इसमें से ये वाला जो म्यान वाला, यहाँ पर बिल्कुल ये चीजें आ रही हैं, गैप्स आ रहे हैं, ये दरमियान वाली एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गैप्स हैं इसलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। इसके अंदर बहुत ज्यादा गैप्स हैं, ये मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। और ये इसके अलावा ये भी एक सीक्वेंस है जिसके अंदर बहुत ज्यादा गैप्स हैं, ये भी मैं डिलीट कर रहा हूं। अब ये जो बाकी फाइनल रह गई ये सीक्वेंसेस, अब सिर्फ इसी को ही मैंने यूज करना है। लेकिन एक और काम ये करना है, एक और काम ये करना है कि ये दोनों सीक्वेंस जो डिफरेंट लग रही हैं ये भी डिलीट कर रहा हूं मैं फिलहाल, ये भी मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। और इसको अब मैं दोबारा अलाइन करूंगा जो डिलीट की है, आपने हर थोड़ी देर बाद अलाइन करते जाना दोबारा से, ताकि वो जो गैप्स है ना वो खत्म हो जाए। ये आप ये देखेंगे काफी हद तक सीक्वेंस जो गैप्स है ना वो तक, ये देखें दरमियान में आप आए, आप अलाइनमेंट आपको काफी हद तक स्मूथ लग रही है, ये देखेंगे यहां पर सही नहीं होगी सारी, इसके अंदर जो लिटिल म्यूटेशन है वो ज्यादा, ये सर जहां अब पर हमें क्या पता चलेगा क्या चीज डिलीट करनी है क्या नहीं करनी। आपने कंसेंसस डेवलप करनी है खुद ही, यार ये चीजें मैं डिलीट, मैंने अब मैंने आप सिर्फ ये फर्ज किया, आपने सिर्फ नाक से लेकर गले तक आपने सिर्फ इस सीक्वेंस को अलाइन करना है, फर्ज किया इससे पीछे वाली भी डिलीट कर देनी है, ऊपर वाली भी डिलीट कर देनी है, और सिर्फ जो इस रीजन के अंदर दरमियान में सीक्वेंस आ रही है ना सारी सीक्वेंसेस की सिर्फ वो रखनी है। उसके लिए क्या करेगा कि वो सीक्वेंसेस जो आपस में मैच हो रही है, फर्ज के ये देखें, ये अब मैं क्या करूंगा कि यहां से ये जो दरमियान में दो सीक्वेंसेस ये हमें गड़बड़ कर रही है, ये वाली और ये वाली, ये मिसिंग है। या तो ये कर लेंगे इसको रख लेंगे तो बाकी अलाइनमेंट करनी मुश्किल हो जाएगी, ये देखिए ना, अगर हम इसको इस दोनों सीक्वेंस को हम रखते हैं एनालिसिस के लिए तो ये गैप्स हैं, ये गैप क्या करेंगे हमारे दूसरे एनालिसिस को खराब करेंगे, इसलिए कंसेंसस डेवलप करनी है कि ये सीक्वेंस हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए।
अब ये शुरू से देखते हैं, ये देखो सर, एक्सक्यूज मी सर, या तो हम डिलीट कर दें या उसको इन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट करके देखें कि सीधा होके क्या ठीक हो जाए, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट जो आपने कहा नहीं होता तो फिर उसको डिलीट कर दें, उसको उसको डिलीट कर दें। अब ये देखें, अब यहाँ ओके सर, ये एक्स्ट्रा सीक्वेंस हुई हुई है, ये चीजें बाकी किसी के अंदर नहीं है, सिर्फ ये तीन सीक्वेंसेस है उसके अंदर ये सीक्वेंस है। अब हम ये चीज नहीं रखेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा सीक्वेंस हुई है, बस गले से थोड़ी सी आगे हुई है, लगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा सीक्वेंस हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस को हम जो भी एक्स्ट्रा हुई हुई है ना वो हमने डिलीट कर देनी है। अब ये जो सीक्वेंसेस है ना दो, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा कम सीक्वेंस हुई है, इसलिए इसको हम सारी को डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये वाली जो सीक्वेंसेस है, आप शुरू में चलते हैं, वो सीक्वेंस जो सिर्फ तकरीबन यहां तक मैं पीछे सारी करने लगा हूं डिलीट, आपकी आवाज बहुत कट रही है, ठीक है। अब ये देखिए यहां कुछ नहीं है सीक्वेंस, सिर्फ दो के अंदर है, हम इन दो को नहीं रखेंगे, हम सारी डिलीट कर देंगे यहां से लेकर आगे तक। अब वहां तक देखेंगे, इसको हम सिलेक्ट करते जाएंगे, पर यहां तक अभी हमने सिलेक्ट की है, इसको डिलीट कर दी, अब हमने क्या किया कि यहां से लेकर आगे भी डिलीट करते जाएंगे। ये शुरू शुरू वाली सीक्वेंस है, जानवर पानी देना, तो ये यहां तक सारे हम डिलीट करते जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। आप अपने साथ कंप्यूटर रखे, ये जो मेरी मैं बातें बता रहा हूँ ये दे मोबाइल में देखे, अब ये जो सीक्वेंस है ना ये देखिए यहां तक ये मैंने कर दी डिलीट, ठीक है। अब हमें आगे नजर आ रहा है कि ये सीक्वेंस जो है ना आगे, अब सब ये देखिए अभी भी देखो इतने गैप्स हैं, अब ये भी सीक्वेंस हमने डिलीट कर देनी है, तो अब यहां से लेकर वी विल कीप ओनली द सीक्वेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन ऑल सीक्वेंसेस, लेकिन ये ना हो कि हम बहुत ही ज्यादा डिलीट कर दें, तो कोशिश करें कि हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया, हमने मैक्सिमम सीक्वेंसेस आए भी और मैक्सिमम सीक्वेंस भी आए, और ज्यादातर जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है उसको हम डिलीट कर दें। मतलब मैं यहां डिलीट कर रहा हूं सॉरी, अब सारी सीक्वेंसेस आ गई है, ठीक है, और 100% मैच पूरी का पूरा क्वेरी कवरेज हो रही है। ये देखें अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये दो सीक्वेंस अगर हम रखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डिलीट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को उड़ा देते हैं, तो ये कम हुई हुई है सीक्वेंसेस। अब यहां पर एंड के ऊपर क्या होगा कि आपने यहां से लेकर यहां तक डिलीट कर दे इसको, नाउ यू हैव अ सीक्वेंस सर, बाकी सब ठीक है, लेकिन सर क्या डिलीट करना है क्या नहीं डिलीट करना सर नहीं लग रही समझ। ये बच्चे आप लोगों ने खुद कंसेंसस डेवलप करनी है कि आपकी मैक्सिमम सीक्वेंसेस आ जाए इसके अंदर, और गैप्स वाली सीक्वेंसेस ज्यादा से ज्यादा डिलीट हो जाए। ये देखें अब हमारे पास ये फाइनल जो है वो चीजें ये आ गई है कि सिर्फ वो ही सीक्वेंस पास रही है जो से लेकर नाप तक वर्ज किया, तो बाकी तकरीबन उससे पहले वाली सीक्वेंस उसके ऊपर या वो सीक्वेंस जो गले से नाक तक कम मैच सीक्वेंस हुई थी, बस किया गले से नाक तक सीक्वेंसेस की बजाय सीक्वेंस हुई थी वो भी डिलीट कर दी, जो नाक से सिर्फ नाक की सीक्वेंस हुई थी इससे नीचे वाली सीक्वेंस नहीं हुई थी वो भी डिलीट कर दी। हमने सिर्फ वो सीक्वेंस रखी है जो गले से नाक तक पूरी सीक्वेंस हुई थी,
उससे ज्यादा जो उससे कम जो हुई हुई थी वो सारी डिलीट कर दी। ये अब हमारे पास एक कंसेंसस डेवलप हो गया। कंसेंसस के बाद अगेन हम इसको अलाइन करेंगे, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस होगी जो अलाइन हो गई। ठीक है, अब हर तरफ शुरू से लेकर एंड तक आपको तकरीबन हर जगह बैच होती हुई चीजें नजर आ रही है। नहीं लगी समझ? आपने एक कंसेंसस डेवलप करनी है कि आपकी जो है कि हमने सिर्फ वो रखनी है जो हमारा एक स्पेसिफिक रीजन वो पूरे का पूरा उन तमाम सीक्वेंसेस के अंदर आ जाएगा। जो एक स्पेसिफिक रीजन नहीं आएगा तो वो हम उसको कीप नहीं रखेंगे, उसको अलाइनमेंट में नहीं लेकर आएंगे। ये अब हमारे पास एक अलाइनमेंट आ गई और इसको अब हम डाटा में जाके एक्सपोर्ट अलाइनमेंट किसी भी फॉर्मेट में इसको कर सकते हैं। बल्कि मेगा फॉर्मेट में मैंने कर दिया और इसको मैंने कर लिख दिया नाम मैट के फाइनल ट्रिम एंड अलाइन कैप्सिकम सीक्वेंस। इसका नाम मैंने ऐसे लिख दिया, इसको सेव कर दिया। टाइटल क्या रखे फर्ज किया मैट के कैप्सिकम। ओके, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब ये तो हमारा वो जो था ना वो सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी जो अलाइनमेंट की है आप इसी अलाइनमेंट वाली सीक्वेंस को लेंगे और इसे फाइलोजेनेटेड ट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अब हम फाइलोजनी में जाएंगे, कंप्यूट डिफरेंट तरह के हम इसके अंदर ना ट्री बना सकते हैं। मैक्सिमम लाइवलीहुड ट्री है, नेबर ज्वाइनिंग ट्री है, जो डिफरेंट साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया एल्गोरिथम का या ऐसे इसको एनालिसिस करना चाहिए। तो हम पहले वाला देखते हैं कि मैक्सिमम लाइक और फिर हम इसको वही जो सीक्वेंस हम सेलेक्ट किया और ओके किया तो ये हमारा इन्होंने एक ट्री बना दिया। सही, दोबारा बता दें फाइलोजेनेटिक ट्री का। अच्छा, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, खत्म करता हूँ, दोबारा आपको बनाता हूँ। डिस्कार्ड रिजल्ट्स। अच्छा, आप फाइलोजेनिक फिर आप मैक्सिमम लाइवलीहुड ट्री में गए। ठीक है, अब आपने क्या किया कि फाइनल ट्रिम जो भी किया और उससे आपने ट्री बना दिया और इस तरह हमारे पास एक ट्री बन गया और इसको हमने इसको डिफरेंट फॉर्म में आप लेके ला सकते हो। ये देखिए, ये बन गया ट्री और इसके अलावा इसको हम डिफरेंट फॉर्म में बना सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह का भी बना सकते हैं और इसको हम ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हैं, ये वाला चीज भी कर सकते हैं इसको और इसको। ये देखिए, तो इस तरह डिफरेंट तरह का ट्री हम इससे पता चलता है कि कौन सी सीक्वेंस एक दूसरे से ज्यादा मैच करती है। अब ये कैप्सिकम एनम है, ये योकोहामा से इन्होंने एक्सेलेट की ही है। दैट इज मोर सिमिलर टू द कैप्सिकम वाउचर ऑफ दिस नंबर। ये सारे के सारे फाइलोजेनेटेड ट्री हम इवन डिस्प्ले ट्री इनफॉरमेशन इन द बॉक्स। तो अब आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इसमें आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो सारी सारी चीजें इसके अंदर डिस्प्ले भी हो जाएंगी। अच्छा, ये तो मैक्सिमम लाइकलीहुड ट्री था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरे ट्री कोई और ट्री हमने बनाना है। अजनी, आप नेबर ज्वाइनिंग ट्री बनाना चाह रहे हैं तो सेम सीक्वेंस हम ले और उससे ये हमारे पास नेबर ज्वाइनिंग ट्री बन गया, ये नॉर्मल ट्री बन गया,
ये नेबर ज्वाइनिंग है, इसको हम कर्व में बना सकते हैं, इसको हम रेडिएशन की फॉर्म में बना सकते हैं, ये देखें, और इसके अलावा इसको हम सर्कुलर फॉर्म में बना सकते हैं जो, ठीक है, और फिर इसको ट्रेडिशनल रेक्टेंगुलर वे में, ये ऐसे, और इस तरह हम ये से ट्री बनाना बहुत इजी है। आपने सीक्वेंस डाउनलोड कर लिया और उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी जो वैरायटी है वो ज्यादा एक दूसरे से सिमिलर है और कौन सी एक दूसरे से डिफरेंट है। अच्छा, एक और ये काम कर सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं आप, कि आप इसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ये देखिए कंप्यूट पेयर वाइज जो ऑलरेडी यूज की है, और ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सीक्वेंसर किस सीक्वेंसर के साथ कितना डिफरेंसेस है, वो चीजें भी इससे पता चल जाती है। फिलहाल आप सिर्फ इनके फाइलोजेनिक ट्री बनाएं, बाकी चीजें बाद में बताएंगे, ये डाइवर्सिटी भी मालूम कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जितने आपके पास सीक्वेंसेस हैं वो तमाम को आपने अच्छे तरीके से करना है, उसकी सिर्फ वो सीक्वेंसेस रखनी है जो समझते हैं कि आप एक कंसेंसस डेवलप की है, और उस कंसेंसस के थ्रू आपने, और फिर आपने हर उस सीक्वेंस का जितने भी सीक्वेंसेस आपने अभी तक डाउनलोड किए हैं। अच्छा, अभी मैं एक और आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मेरे पास ना एक और सीक्वेंस है जो कि आरबीसीएल का है। सर बस करें सर, आज के लिए काफी है, मिक्सअप हो जाएगा सारा। पहले इतना ये सिर्फ वही दोबारा ही वही करने लगा हूं मैं, अलाइन ही करने लगा हूं, अडेंडमेंट अलाइनमेंट, न्यू अलाइनमेंट हम बनाने लगे। ओके, इसको क्रिएट अ न्यू अलाइनमेंट, यस, डीएनए, ठीक है। अब हम एडिट, इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम फाइल डॉट एसपीएस, ये जो सीक्वेंस है, अच्छा ये वो जो सीक्वेंस है ये आरबीसीएल की है। इसके अंदर हमें ना, मैंने कहा था ना, सबसे पहले आपने स्टार्ट आउट करना है कि सिर्फ वो सीक्वेंसेस रखनी है जो के पर सिर्फ आरबीसीएल की है। अब इसके अंदर देखिए शुरू में कौन सी सीक्वेंस है ये वाली। अच्छा, अब आरबीसीएल की भी आगे दो टाइप्स है, आपने लार्ज सब यूनिट जो है ना वो उसकी सीक्वेंस रखनी है। ये देखिए, ये क्या है, आरबीसीएल लार्ज सब यूनिट, आरबीसीएल लार्ज सब यूनिट, आरबीसीएल लार्ज सब यूनिट, फिर आरबीसीएल लार्ज सब यूनिट। क्या कह रहे हो, शो ही नहीं हो रहा, शो हो रहा है बच्चे, मैं हमारा तो मैट के आ रहा है, मैं दोबारा से करता हूँ, शेयर, ये अब आ रहा है, आ गया, नो अभी है अभी नहीं, नहीं सर अभी नहीं आया, अब आया, अब आया, आ गया, चलो ठीक है। अच्छा, अब मैंने ना तो इसको भी दोबारा से मैं वहीं से लेकर स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। अच्छा, अब इसको तो मैं फिलहाल खत्म करता हूँ ये वाला, ठीक है, अलाइन, एडिट बेल्ट अलाइनमेंट, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके, और डीएनए सीक्वेंस है, एडिट में जाके इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम फाइल, और ये सीक्वेंस हमने ऐड कर दी। अब ये सीक्वेंस जो मैंने ऐड की है ना, ये है आरबीसीएल की जो मैंने डाउनलोड की थी कैप्सिकम की। अब इसके अंदर बड़ा इशू है, इसके अंदर अब हमने देखना है कि सिर्फ वो सीक्वेंस रखनी है जो आरबीसीएल के लार्ज सब यूनिट की।
तो अब इसके अंदर आपको कई ऐसी जगह कई ऐसे सीक्वेंस मिलेंगे जो कि अनवेरीफाइड होंगे, वो अजीब से होंगे, तो वो आपने ये देखना है कि फर्ज किया लार्ज सब यूनिट है, ये भी लार्ज ही है, ये भी जीन आरिबुलोस ठीक हो गया, ये भी है, इसके अंदर कुछ स्पेशल रीजन के भी होंगे, अगर कुछ स्पेशल वो हमने डिलीट कर देना, लार्ज सब यूनिट स्पेशल रीजन। ये तकरीबन ठीक ही लग रहे हैं, सारे ठीक ही शुड बी देयर लार्ज, ये लेकिन ये एम आर एन ए आरबीसीएल एम आर एन ए पार्शल सीडीज ये मैसेंजर आर एन ए को आप डिलीट कर दे, जब डीएनए सीक्वेंस रखें ये तकरीबन बाकी सारे वही है। अब आपने क्या करना है इसको अलाइन, अलाइनमेंट कैसे करना है बाय मसल, और इसको ओके कर देना है, और इसको ओके कर देंगे तो अब हमारे पास ये एक अलाइनमेंट इन प्रोग्रेस हो गई। अब ये देखे इसके अंदर भी कोई ना कोई इश्यूज दरमियान वाले में ही है इसमें भी। अब ये है क्या, ये देखे ये क्या था इंटरजेनिक स्पेशल रीजन है, ये ना इसने हमें बता दिया ना कि ये दरमियान में सीक्वेंस है ये किसका है इंटरजेनिक एटीपीपी आरबीसीएल इंटरजेनिक स्पेशल रीजन, हम किसकी सीक्वेंस ले रहे हैं आरबीसीएल के, लेकिन ये तो आरबीसीएल और एटीपीपी जीन का स्पेशल रीजन है, इसलिए इसको हम इन चारों सीक्वेंसेस को डाउन डिलीट कर रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, ठीक है, ये वाला ये चार पांच जो है दरमियान वाले इसको और इसको और ये वाला डिलीट कर रहे हैं हम पांचों को, ये स्पेशल रीजन है दिस इज नॉट आरबीसीएल, और इसी तरह ये दो ऊपर वाले भी दो आ रहे हैं कोई डिफरेंट से, ये कैप्सिकम एनम, अब ये है क्या, ये ऊपर वाले दो, अच्छा इसको हम दोबारा अलाइन करते हैं कि क्या कुछ चीजें कुछ ठीक हो गई है, अलाइन बाय मसल अगेन, जितनी बार आपने डिलीट करते जाना है तो यू हैव टू रीअलाइन, यू हैव टू रीअलाइन द थिंग्स, काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब जो सीक्वेंस डिफरेंट आ रही है वो कैप्सिकम एनम ये वाली और ये तीन चीजें डिफरेंट आ रही हैं थोड़ी सी, बाकी तकरीबन काफी हद तक क्लियर आ रही है। चले जो भी है आपने इस तरह एक कंसेंसस डेवलप करके आपने चीजों को फाइनलाइज करना है। अब यहां पर हम इसको सारी यहां तक डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और सिमिलरली एंड से भी हम कुछ ना कुछ डिलीट करते थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपने कुछ ना कुछ कंसेंसस खुद ही डेवलप कर लिए कि कौन सी चीजें हमने डिलीट कर ली है, या आपने अपनी ज़हनी ज़हन को यूज करना है, पर क्या ये इसको अगेन हम अलाइनमेंट करके ये अलाइन कर दी हमने, ओके चलो, और फिर अब हमने हमारे पास तकरीबन ये दरमियान में एक सीक्वेंस आ रही है ना ये एक्चुअली डिफरेंट थोड़ी सी डिफरेंट है हम लोग, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, चलिए जी लाइन बाय मसल ओके, और ये केवल काफी हद तक सीक्वेंसेस हमें मिल गई है। अब हम इसको डाटे को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट मेगा फॉर्मेट में जाके इसमें है आरबीसीएल
फाइनल ट्रिम्ड इसका नाम रख देंगे लाइव कैप्सिकम। जब हम इसको सेव कर देंगे, इसको सेव कर दें, इसको आरबीसीएल का नाम दे दें, ठीक है, और ओके कर दें, ठीक है। प्रोटीन प्रोटीन सीक्वेंस है नो। अब इसका दोबारा से फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री सर आगे वाला काम हमें दिख नहीं रहा, क्या कह रहे हो? मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको भेजता हूँ। यस, और इसको ओके कर दे, और इस तरह ये हमारे पास फाइलोजेनेटिक ट्री बन गया। ठीक है, ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री बन गया। अब हमने उपगामा ट्री हम इसको ओके कर दें, ये हमारे पास उपगामा ट्री बन गया। ठीक है, ये ऐसे बन गया। उपगामा डिफरेंट जो मेथड्स हैं इसके, उसके मुताबिक हम इसको डिफरेंट इसकी शेप दे सकते हैं, सर्कुलर शेप दे सकते हैं। और यहां से ये ओरिजिन हो रहा है ये, और यहां से फिर डिफरेंट इसकी शाखें निकल रही है। तो अब आप लोगों ने कौन से ट्री बनाने हैं कि आप लोगों ने, आपको एक ही ट्री कह देता हूं वही बनाना आप लोगों ने सबने, ठीक है। उसके आप लोगों ने फाइलोजेनी में जाके मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री बनाना आप लोगों ने सबने। इस तरह ये हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री। क्या करना है? सारी सीक्वेंसेस जितनी भी अभी आपने किसी आपने प्रूफ किया डाउनलोड की है ना, उन सबको पहले अलाइन करना है। उसमें से जो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेशन है, या आप समझ जाए कि ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है सीक्वेंसेस, उसको डिलीट करके बाकी जो अलाइनमेंट है वो आपने सेव कर लेनी है, और उसी को यूज करना है ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए। सर ये ट्री कैसे बनाया सर, इसकी इतनी समझ नहीं लगी। ट्री कैसे बनाया, मैंने पीछे बताया तो है कि हमने मैक्सिमम ये फाइलोजेनी में जाना है, फाइलोजेनी में जाके कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री। लेकिन ये किस सीक्वेंस में बनाना है जो आपने अलाइन की है, जो पहले वाली सीक्वेंस नहीं, जो आपने अलाइन करके सेव की है उसको यूज करना है इसके अंदर। ठीक है, और उसी के ऊपर ही आपने ये जो सीक्वेंस है, बल्कि ये वाली मैंने कहा है ना, मैंने ये जो आरबीसीएल की सीक्वेंस ये यूज की है मैंने, तो ये देखिए ये इजी बन जाता है ट्री, और इसको ट्री को फिर आप सेव भी कर सकते हो, इसको रूटेड भी कर सकते हो। बाकी वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा रूट क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप जस्ट ये प्रैक्टिस करें कि आपकी जितनी भी सीक्वेंसेस हैं उसको ट्री कैसे बनाते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनाते हैं, और तो इसको सेव कर सकते हैं एज पीडीएफ, एज ए पीएनजी, एज ए डिफरेंट फॉर्मेट में इसको आप पीएनजी फाइल भी सेव कर सकते हो, फॉर RPCL। तो आप इसको फिर आगे पेपर में यूज कर सकते हो, रिसर्च पेपर बनाने में और चीजें, और जो पेपर्स के अंदर, लेकिन इसको अभी प्रीव्यू होता है उसके अंदर इसको कलर्ड भी कर सकते हो, इसको डिफरेंट हर जो नोड निकल रही है उसको स्पेसिफिक कलर, और उसको डिफरेंट ब्रांचेस को डिफरेंट कलर के साथ और खूबसूरत बना सकते हो, उसे प्रीव्यू होता है। वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन आप इंटरनेट से पढ़ लीजिए कि व्हाट इज ट्री व्यू, कैसे हम इस एक ट्री को खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे कलर दे सकते हैं, और क्या कैसे ये चीजें हैं, तो तब आपका जो अक्सर पेपर्स के अंदर आपको लगता है कि बड़े खूबसूरत से ट्री बनाए हुए हैं, वो चीजें यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू यू कर सकते हैं आप लोग।
ٹھیک ہے آپ لوگ اس کے فالوجر ٹری بنائیں, شام تک مجھے بنا کے بھیجے, تو باقی پھر انشاءاللہ پرسوں ہے ہمارا اس کا جو لیکچر پھر ہے دوبارہ, تو پرسوں پھر ہم اس سے. لیکن کائنڈلی آپ فالوجر ٹری کیسے بناتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے, الائنمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ دونوں چیزیں فالوجنیٹک, اس کے میں نوٹس بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں, کچھ میں ویڈیو بھی بنا کے بھیج دیتا ہوں, فالوجنیٹک انالیسس کیا ہوتا ہے, الائنمنٹ کیا ہوتی ہے, یہ چیزیں کائنڈلی آپ اس کو پڑھیں, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ سیکوینسز کو یوز کرتے ہوئے پبلیکیشنز کریں. میں نے ایک ریسرچ پیپر آپ لوگوں کو بھیجا تھا, آپ نے ایگزیکٹ وہی ریسرچ پیپر اسی فارم میں لکھنا ہے. ابھی میں آپ کی اٹینڈنس لیتا ہوں. سر ایک